हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग RDBMS के कुछ लास्ट पॉइंट पर वर्क करने वाले हैं या बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। क्वेरीज कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो हम उसको डेटा पूलिंग कहते हैं। तो बहुत सारे डेटा के इंफॉर्मेशंस को अरेंज करना क्वेरी की फॉर्म में। क्वेरीज कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा। अ क्वेरी हेल्प अस ज्वाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन। तो क्वेरी क्या करती है, हमारी हेल्प करती है बहुत सारे डेटा में से, जो कि अलग अलग तरीके का डेटा है, अलग अलग टेबल्स में है, उन्हें अरेंज करके और फिल्टर करके हम तक पहुँचाने का इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। फिल्टरिंग मीन्स दैट क्वेरी यूजेज क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड प्रेजेंट ओनली दैट वॉट यू वॉन्ट टू सी। फिल्टरिंग वो काम करता है जिसमें कि बहुत ढेर सारे डेटा में से आपका सेलेक्टेड डेटा, और वो भी किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर, किसी खास कंडीशन के बेसिस पर आपको प्रेजेंट करना, आपको दिखाना। सम RDBMS प्रोवाइड अ ग्राफिकल मीन्स टू क्रिएट क्वेरीज। बहुत सारे जो RDBMS है वो ग्राफिकल मीन्स यूज़ करते हैं क्वेरी के लिए, बट मोस्ट RDBMS डू नॉट डू सो। लेकिन बहुत सारे, ज़्यादातर जितने RDBMS हैं वो उसे सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज को केवल वर्ड्स की फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। दैट वेयर यू यूज़ SQL प्रोनाउंस एज सिक्वल और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसे हम सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्वेरी लैंग्वेज आर कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू मेक क्वेरीज इन टू अ डेटाबेस। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि क्वेरी की फॉर्म में है और डेटाबेस से इसकी इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें कंडीशंस होती हैं, जिनमें क्राइटेरियाज होते हैं, जिनके बेसिस पर हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, वो क्वेरीज कहलाता है। क्वेरीज आर कमांड्स दैट आर यूज टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो टू मैनिपुलेट द डेटा इन डेटाबेस। ये कमांड्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम डेटा के स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं और मैनिपुलेट करके अपने डेटाबेस में से उस डेटा को निकालते हैं। अ सेलेक्ट स्टेटमेंट्स रिट्रीव्स जीरो और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस। सेलेक्ट स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम कभी कभी तो बिना कोई डेटा, किसी भी रो को सेलेक्ट नहीं करते, या फिर फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल से हम इसके व्यूज़ को देखते हैं। एक से ज़्यादा डेटाबेस के व्यूज़ को देखने के लिए सेलेक्ट का यूज़ किया जाता है। इन मोस्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसे हम DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कल भी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था, जिसमें डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्शंस, फिल्टरिंग और शॉर्टिंग। टू रिट्रीव ऑल कॉलम्स इन टेबल द सिंटेक्स इज। अब अगर हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर रहे हैं तो कैसे हम सारे टेबल्स के कॉलम्स को यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है फॉर ऑल। ये मैंने एक दो बार आपको शायद क्राइटेरिया के बेसिस पे कराया भी था, फिर भी दोबारा से, स्टार का मतलब होता है ऑल के लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल नेम हम डाल दें तो जितनी भी टेबल्स होंगी वहां से ये सिलेक्शंस का काम करेगा। अब एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है। टू व्यू द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर फ्रॉम द टेबल द सेलेक्ट स्टेटमेंट विल बी। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर्स को देखना चाहें तो हम कैसे करेंगे। सेलेक्ट कमांड लिया, ऑल लगाया, फ्रॉम SD डिटेल्स ऑर्डर्ड बाय रोल नंबर्स एंड ASC, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं, रोल नंबर्स को फील्ड के बेसिस पर कर रहे हैं। SD डिटेल्स जो आपकी वो है टेबल है, और सेलेक्ट कमांड का यूज़ किया जा रहा है, सब रिकॉर्ड को दिखाने के लिए बोला जा रहा है फॉर ऑल। तो ये आपकी लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है, क्वेरी लैंग्वेज,
जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड बना रहे हैं किसी एस डिटेल्स जो आपकी टेबल है उसके रोल नंबर्स के बेसिस पर, सीक्वेंशियल ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में। यू कैन ऐड, हम ऐड कर सकते, कल उस बारे में बात हुई थी कैसे ऐड करते हैं, मॉडिफाई चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट द रिकॉर्ड्स यूजिंग द इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट कमांड। तो इंसर्ट कमांड की मदद से हम ऐड करते हैं, अपडेट कमांड की मदद से मॉडिफाई करते हैं, एंड डिलीट कमांड की मदद से हम लोग डिलीट करते हैं। तो टूल्स ऑप्शंस में जाकर हम इन सब को एग्जीक्यूट कराते हैं, इन कमांड्स को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर अपडेट कमांड को यूज़ किया गया है, अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड इन डेटाबेस। द जनरल सिंटेक्स ऑफ अपडेट इज, अपडेट कमांड लगाया और टेबल का नाम लिख दिया, ये सिंटेक्स है। तो यहाँ पर जो एंगल ब्रैकेट में आपको टेबल दिख रहा है, एंगल ब्रैकेट के अंदर जो टेबल दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर टेबल का नाम होगा और एंगल ब्रैकेट नहीं होंगे। एंगल ब्रैकेट सिंटेक्स में दिखाए जा रहे हैं कि इस जगह पर क्या चीज़ होनी चाहिए। सेट कमांड का यूज़ किया जा रहा है, कॉलम नेम हम डाल सकते हैं, ये सिंटेक्स है। यहाँ पर वैल्यू, फिर कॉलम्स नेम और कॉलम्स नेम की वैल्यूज़ वैल्यूज़ वैल्यूज़, इस तरीके से हम कितने भी कॉलम्स नेम, एक से ज़्यादा कॉलम्स नेम्स को ये कॉमा लगाकर करा गया, तो कॉलम्स नेम, कई सारे कॉलम्स नेम्स को हम सेट कर सकते हैं। वेयर कंडीशंस लगाकर हम कर सकते हैं, वेयर के साथ में कंडीशंस लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप HTML में यूज़ करते हो या SQL में यूज़ करते हो, टेबल बनाने के लिए यूज़ करते हो, डेटाबेस मेंटेनेंस में यूज़ करते हो, RDBMS के लिए यूज़ करते हो। अब कुछ असाइनमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो रिवीजन क्वेश्चन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में है, अ फॉर्म हेल्प्स टू यूज़र टू सिस्टमेटिकली स्टोर इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस। तो हम जब फॉर्म बनाते हैं तो किसी भी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसा हमें चाहिए, जैसा हम चाहते हैं कि अगर सिंगल पेज में या टू पेज में कोई इन्फॉर्मेशन सारी की सारी दिखाई पड़े, जहाँ पर फिलअप करने वाला है वो फिलअप किया जाए, और जो अनफिल्ड पोर्शन है, समझाने वाला पोर्शन है, उसे रिटन में या पिक्चरल फॉर्म में दिखाया जाए। सेकेंड, अ फॉर्म इनेबल्स यूजर टू व्यू एंटर एंड चेंज डेटा, अपने डेटा को देखना, और जिसे हम प्रीव्यू भी कहते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आप जब देखते हो, जब प्रिंट लेना होता है और उससे पहले आप देखते हो कि प्रीव्यू कैसे लिया जाए, वैसे ही अ फॉर्म इनेबल्स यूजर टू व्यू एंटर चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स, ये देख सके, उसमें एंट्री कर सके, और ज़रूरत पड़ने पर मॉडिफिकेशन, जिसे हम चेंज डेटा कहते हैं, वो कर सके। सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टेटमेंट्स रिट्रीव जीरो और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल्स ऑन द डेटाबेस व्यू। अब जीरो टेबल्स कहते हैं, सेलेक्ट में ऐसा कमांड आपने दे दिया जो वहाँ पर जो जिसकी वैल्यू वहाँ पर है ही नहीं डेटाबेस में, तो वो जीरो रोज़ को सेलेक्ट करेगा, और अगर उससे रिलेटेड बहुत सारी रोज़ हैं तो वो कई सारी रोज़ को सेलेक्ट करेगा, और एक डेटाबेस से है तो एक डेटाबेस से, और अगर कई सारे डेटाबेस में है तो सारे डेटाबेस की इंफॉर्मेशंस अलग अलग डेटाबेस से भी लेकर वो आपकी इंफॉर्मेशंस को दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप डेटा को ऑर्डर नहीं देते हो, ऑर्डर में सेट नहीं करते हो, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा बाय डिफॉल्ट देता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ए टू जेड की फॉर्म में डेटा को देता है। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड, अब मॉडिफिकेशन के लिए अपडेट कमांड का यूज किया जाता है। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस, एक डेटाबेस को आपके रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए डिलीट कमांड का यूज किया जाता है। नेम डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन, जहाँ पे जो जो आ रहा है आपका डीएमएल कमांड्स जो है, ये सारे के सारे कमांड जो सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड है, ये डीएमएल कमांड से रिलेटेड है, डाटा मैनिपुलेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग क्वेरीज, क्वेरीज का पर्पस क्या है, क्वेरीज क्यों यूज की जाती है। क्वेरीज हेल्प्स टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो टू मैनिपुलेट द डेटा इन अ डेटाबेस यूजिंग कमांड। क्वेरी जो होता है, कमांड के बेसिस पर डेटा के स्ट्रक्चर को फॉर्म करना या उसे
मैनिपुलेट करना, चेंजेस करने उसके अंदर, उसके लिए क्वेरीज का यूज किया जाता है। विच क्लॉज ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हेल्प टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड डेटा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वेयर कमांड्स का, आपने यूज़ तो देखा नहीं है, तो वेयर कमांड्स को कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में भी कोशिश करेंगे कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपके डिस्कस करूँ। विच क्लॉज ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट हेल्प्स टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डेटा, किसी खास तरीके के डेटा को देखने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज़ करते हैं, वेयर कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में आपको बताया जा रहा है कि कैसे यूज करते हैं। वेयर क्लॉज इज यूज टू ऑर्डर बाय क्लॉज इज, सेलेक्ट कमांड इज टू फिल्टर द रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक कंडीशंस, एंड सेलेक्ट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन एनी फील्ड। अब ये वेयर कमांड और ऑर्डर बाय कमांड जो है, ये दोनों के कैसे वर्किंग है वो दिखाया जा रहा है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है वेयर एंड ऑर्डर्ड बाय क्लॉज ऑफ एसक्यूएल कमांड, कहाँ पे ये यूज किए जाएंगे और क्या किस काम के लिए यूज किए जाएंगे। वेयर कमांड, वेयर क्लॉज इज यूज्ड विथ सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड के साथ में यूज किया जाता है टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को और छोटा करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक कंडीशन, जहाँ क्राइटेरिया देखकर हम उस कंडीशन को यूज करते हैं। अब ऑर्डर्ड बाय क्लॉज इज यूज इन सेलेक्ट कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन एनी फील्ड। अब दोनों में डिफरेंस अगर आप देखना हो तो ये आपका यूज किया जा रहा है फिल्टरिंग में, और ये यूज किया जा रहा है शॉर्टिंग में। तो शॉर्टिंग और फिल्टरिंग में ऑर्डर्ड बाय या वेयर कमांड का यूज किया जाता है। स्टेट द पर्पस ऑफ अपडेट कमांड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अपडेट कमांड इज यूज टू चेंज द वैल्यू इन टेबल, हमने बताया मैनिपुलेशंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चेंज, अगर जब जरूरत होती है आपको टेबल में चेंज करने की, कहीं पर करेक्शंस करने की, तो इसका यूज किया जाता है अपडेट कमांड का। फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू चेंज द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट विथ रोल नंबर 5, देन अपडेट कमांड विल बी यूज्ड। अगर हमें लगता है कि रोल नंबर 5 के मार्क्स में कुछ गड़बड़ी है तो हम वहां पर अपडेट कमांड चलाएंगे और रोल नंबर के फील्ड के बेसिस पर क्राइटेरिया चुनेंगे और वहां पर जाकर अपडेशंस कर लेंगे। अ फॉर्म प्रोवाइडेड द प्रोवाइड्स द यूजर ऑफ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ डेटाबेस। जो आप देख रहे थे कि फॉर्म जो होता है वो सिस्टमेटिक वे में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेस में यूज किया जाता है। और अक्सर हम लोग जो चीजें मैसेज की फॉर्म में होती हैं कि आपको करना क्या है, गाइड कर रहे हैं और साथ में जो जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे राइट योर नेम और वहाँ पर आगे एम्प्टी स्पेस छोड़ देगी, हम वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। तो ये फॉर्म हमें क्वेरीज की फॉर्म में बता रहा है कि हमें क्या करना है, और वो रिकॉर्ड में एंट्री करता जा रहा है। वो किस फील्ड में डालेगा, उसे नेम की फील्ड में डाल देगा, कस्टमर की फील्ड में डाल सकता है, कस्टमर नेम की फील्ड में डाल सकता है, या किसी और नेम की फील्ड में डाल सकता है। तो आपसे नेम जिस जगह पर जरूरत होगी वहां पर उस फॉर्म को यूज किया जाएगा। इट इज एन इंटरफेस इन यूजर स्पेसिफाइड लेआउट, यूजर के लेआउट की फॉर्म में उसे यूज किया जाता है। That lets user to view, enter and change data directly to enter database object such as table. जिसके basis पर data को tables में arrange किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उस form की output में आपको data को दोबारा से delivered किया जाता है। इसका एक simple example अगर मैं बताऊँ तो आप जब email account बनाते हैं तो आपके पास एक फॉर्मेट आता है जिसे हम फॉर्म कहते हैं। वहाँ पर क्या चीज़ कहाँ पे एंट्री करनी है और उसके साथ में गाइडेंस नीचे दी गई होती है कि क्या
कैसे करना है आपको। टू क्रिएट अ फॉर्म क्लिक ऑन फॉर्म ऑप्शन। फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, लोकेट अंडर द डेटाबेस सेक्शंस। डेटाबेस सेक्शंस में अगर आपने देखा होगा तो एमएस एक्सेस में भी अगर आप वर्क करें हैं तो वहाँ पर एक फॉर्म होती है, एक रिपोर्ट होती है, एक क्वेरी होती है और एक टेबल होती है। तो टेबल डेटाबेस टेबल हो जाती है, उसी बेसिस पर आपका रिकॉर्ड बनता है। टेबल बनाना ज़रूरी होता है, फिर आपका रिपोर्ट तैयार होती है और रिपोर्ट टेबल के बेसिस पर होती है या फॉर्म के बेसिस पर होती है। फॉर्म प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो जाता है और वहाँ पर आपको केवल एंट्री करनी होती है, फील्ड आपकी लिखी होती है, आपको जो रिकॉर्ड की एंट्री है वो करनी होती है। ऐसे ही फाइनली क्वेरी बेसिस पर भी हम डेटा को फिल्टर या सॉर्ट करते हैं। अ रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन समराइज्ड मैनर। इट यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन क्लियर फॉर्मेट। यू कैन क्रिएट रिपोर्ट इन डेटाबेस। रिपोर्ट जो होती है वो एक अच्छा फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं, कभी कभी कुछ फील्ड्स को हटाकर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, कभी कभी सारी फील्ड्स को रख कर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में, ताकि वो रिपोर्ट हमारा आउटपुट दे पाए, हमारा फाइनल इंफॉर्मेशन दे पाए। फिल इन द ब्लैंक्स में है, टू क्रिएट अ फॉर्म यू नीड टू सेलेक्ट फॉर्म ऑप्शंस। फॉर्म ऑप्शंस पर जाना पड़ेगा, अवेलेबल अंडर द डेटाबेस सेक्शंस। अ क्वेरी हेल्प्स टू कलेक्ट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल डेटा इन अ डेटाबेस। क्वेरी जो होती है वो डेटाबेस के कलेक्शन में से, पूल में से इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाती है। रिपोर्ट इज यूज टू डिस्प्ले द समरी ऑफ डेटा। ये रिपोर्ट जो होती है वो डेटा की समरी के लिए यूज़ किया जाता है या स्पेसिफाइड डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्म्स आर द इंटरफेस विथ विच द यूज़र इंटरैक्ट। फॉर्म्स एक तरीके का इंटरफेस होता है जिसको यूज़र को समझाने के लिए, उसकी वर्किंग को और अच्छे से समझाने के लिए यूज़ किया जाता है और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है डेटाबेस के लिए। डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स कैन बी स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स कैन बी स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल्स होती हैं, क्योंकि तभी हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मतलब है मोर देन वन टेबल, मल्टीपल टेबल्स। वाई देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ फॉर्म। फॉर्म बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? स्टोर्स और रिट्रीव द डेटा इन सिस्टमैटिक वे। अगर हम चाहते हैं कि कोई फॉर्मेट हमारा इसी तरीके से दिखाई पड़े, पहले क्वेश्चन लिखा हो, फिर आंसर लिखा हो, क्वेश्चंस और आंसर के बीच में गैप हो, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए या समझाने के लिए हमें एक फॉर्म या फॉर्मेट चाहिए। फॉर्म एक तरीके से छोटा फॉर्म, मतलब शॉर्ट है वर्ड फॉर्मेट का। फॉर्मेट का मतलब होता है लिखने का या समझाने का तरीका। तो फॉर्मेट, पहले से डिफाइंड स्पेसेस, कहाँ पे आपको फिलिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करना है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर्मेट का, सिस्टमेटिक वे में डेटा को स्टोर करने का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग रिपोर्ट्स? टू प्रेजेंट द डेटा इन समराइज्ड वे एंड हेल्प्स टू टेक प्रिंट ऑफ इट। जब हमें फाइनल प्रिंट आउट लेना होता है और वो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का, तो हम उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये हमें समराइज्ड इंफॉर्मेशन देता है इन प्रिंटिंग फॉर्म। व्हाट आर प्री रिक्वेस्टीज टू क्रिएट अ फॉर्म एंड रिपोर्ट? सभी की प्री रिक्वेस्टीज डेटाबेस में टेबल ही है, तो टेबल के बिना ना तो हमारा डेटा होता है। तो अगर फॉर्म भी बनाना है तो टेबल से, रिपोर्ट भी बनानी है तो टेबल से, क्वेरी भी करनी है तो टेबल से। तो विदाउट टेबल देर इज नथिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। फॉर्म्स हेल्प्स टू स्टोर द डेटा इन सिस्टमैटिक वे, वेयर एज रिपोर्ट्स आर यूज टू प्रेजेंट योर डेटा इन समराइज्ड वे। फॉर्म जो होता है वो प्री फॉर्मेट फॉर्म
होता है जहाँ पर कुछ जगह पर आपको एंट्रीज करनी पड़ती हैं, जबकि रिपोर्ट्स वो होती है जहाँ पर सारी एंट्रीज हो चुकी होती हैं, आपको इसे केवल प्रिंट आउट के लिए लेना होता है। तो रिपोर्ट में हम करेक्शंस नहीं कर सकते, फॉर्म में हम करेक्शंस करते हैं। तो फॉर्म जहाँ पर हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म भी होती है और जिसमें कि एडिटिंग फॉर्म भी होती है, जबकि रिपोर्ट में केवल और केवल प्रिंटेड फॉर्म होती है। कैन अ फॉर्म डिस्प्लेस डेटा फ्रॉम द क्वेरीज? क्या जो फॉर्म है वो क्वेरीज में यूज़ किया जा सकता है? तो हम लोग फॉर्म को क्वेरीज के तौर पर यूज़ नहीं करते, हम टेबल्स को क्वेरीज के तौर पर यूज़ करते हैं। सो नो, इन हाउ मेनी वेज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट कैन बी क्रिएटेड इन अ डेटाबेस? कितने तरीके से हम लोग फॉर्म और डेटा जो रिपोर्ट्स है उसे क्रिएट कर सकते हैं? फॉर्म कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज यूजिंग द डिज़ाइन व्यू विजार्ड, एंड रिपोर्ट कैन बी क्रिएटेड ओनली यूजिंग द विजार्ड। तो जो फॉर्म है उसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक डिज़ाइन व्यू के तरीके से या विजार्ड के फॉर्म में, जबकि रिपोर्ट को केवल और केवल विजार्ड से क्रिएट किया जाता है। ये बहुत सारे पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स को आपको जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन फॉर्म्स में अपने क्वेश्चंस को देखना है। RDBMS में ज़्यादातर जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो आंसर्स मिल जाए ताकि आपकी प्रिपरेशंस RDBMS की कंप्लीट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।